राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल की ओर से राजस्थान को रेप में नंबर वन बताकर हंसते हुए उसका राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताने पर उनकी चारों ओर तीखी आलोचना हो रही है। प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि धारीवाल ने विधानसभा सदन में प्रदेश को बलात्कार में एक नंबर पर होने की बात बेशर्मी से कबूली है। मर्दों की आड़ में उनका महिलाओं के लिए बिना लेवल का बयान न केवल महिलाओं का अपमान है बल्कि पुरुषों की गरिमा को भी गिराने वाला है। प्रियंका गांधी अब क्या कहेंगी और क्या करेंगी? कांग्रेस में नैतिकता का कुछ अंश बचा भी हो तो ऐसे बदजुमान मंत्री को कान पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा ने कहा कि कैबिनेट मंत्री धारीवाल को मोर्चा की ओर से काले झंडे दिखाए जाएंगे और उनके मुंह पर कालिक पोती जाएगी क्योंकि यह धारीवाल का बहुत ही घटिया और बेहुदा बयान है। महिलाओं के साथ रेप होने को उन्होंने मर्दानगी से जोड़ते हुए विवादित बोल बोले हैं। राजस्थान सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। मुख्यमंत्री बताएं, क्या उनके मंत्री धारीवाल के विवादित बोल शर्म का विषय नहीं है? मिनिस्टर शांति धारीवाल जी का बहुत ही घटिया और बेहुदा बयान कि राजस्थान अगर रेप केसेस में नंबर वन है तो ये मर्दों का शहर है, ये बहुत ही घटियापन की पराकाष्ठा है। क्या महिलाओं के साथ रेप होना, एक तरफ तो राजस्थान की सरकार उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ऊपर से मंत्रियों के ये विवादित बोल, क्या ये शर्म का विषय नहीं है मुख्यमंत्री महोदय? साथ ही प्रियंका गांधी जी, आप बोलती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आपके मंत्री को क्या आप बर्खास्त करेंगी? आप बताइए आप क्या करने जा रही है राजस्थान की महिलाओं के लिए? बड़े ही शर्म का विषय है। और मैं आज मेरी बहनों के साथ पुरुषों से भी आह्वान करती हूँ कि इन्होंने हम न सिर्फ महिलाओं को गाली दी है, आपके लिए भी बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया है। क्या मेरे पुरुष भाई भी क्या सब इसी तरह के लोग हैं? मैं आपसे आह्वान करती हूँ कि मंत्री महोदय का घर से बाहर निकलना बंद कर दीजिए और सब जगह उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा और उनके मुंह पे काली पोती जाएगी। टाइम ईट राजस्थान के लिए जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूं वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम ईट राजस्थान। टाइम ईट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल की ओर से राजस्थान को रेप में नंबर वन बताकर हंसते हुए उसका राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताने पर उनकी चारों ओर तीखी आलोचना हो रही है। प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि धारीवाल ने विधानसभा सदन में प्रदेश को बलात्कार में एक नंबर पर होने की बात बेशर्मी से कबूली है। मर्दों की आड़ में उनका महिलाओं के लिए बिना लेवल का बयान न केवल महिलाओं का अपमान है बल्कि पुरुषों की गरिमा को भी गिराने वाला है। प्रियंका गांधी अब क्या कहेंगी और क्या करेंगी? कांग्रेस में नैतिकता का कुछ अंश बचा भी हो तो ऐसे बदजुमान मंत्री को कान पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा ने कहा कि कैबिनेट मंत्री धारीवाल को मोर्चा की ओर से काले झंडे दिखाए जाएंगे और उनके मुंह पर कालिक पोती जाएगी क्योंकि यह धारीवाल का बहुत ही घटिया और बेहुदा बयान है। महिलाओं के साथ रेप होने को उन्होंने मर्दानगी से जोड़ते हुए विवादित बोल बोले हैं। राजस्थान सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। मुख्यमंत्री बताएं, क्या उनके मंत्री धारीवाल के विवादित बोल शर्म का विषय नहीं है? मिनिस्टर शांति धारीवाल जी का बहुत ही घटिया और बेहुदा बयान कि राजस्थान अगर रेप केसेस में नंबर वन है तो ये मर्दों का शहर है, ये बहुत ही घटियापन की पराकाष्ठा है। क्या महिलाओं के साथ रेप होना, एक तरफ तो राजस्थान की सरकार उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ऊपर से मंत्रियों के ये विवादित बोल, क्या ये शर्म का विषय नहीं है मुख्यमंत्री महोदय? साथ ही प्रियंका गांधी जी, आप बोलती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आपके मंत्री को क्या आप बर्खास्त करेंगी? आप बताइए आप क्या करने जा रही है राजस्थान की महिलाओं के लिए? बड़े ही शर्म का विषय है। और मैं आज मेरी बहनों के साथ पुरुषों से भी आह्वान करती हूँ कि इन्होंने हम न सिर्फ महिलाओं को गाली दी है, आपके लिए भी बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया है। क्या मेरे पुरुष भाई भी क्या सब इसी तरह के लोग हैं? मैं आपसे आह्वान करती हूँ कि मंत्री महोदय का घर से बाहर निकलना बंद कर दीजिए और सब जगह उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा और उनके मुंह पे काली पोती जाएगी। टाइम ईट राजस्थान के लिए जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम ईट राजस्थान। टाइम ईट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।